जो अभी नियोजित शिक्षक साथी हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बनने के प्रावधान पे हैं, वो परेशान रहे, बीपीएससी वाले परेशान रहे, सभी ढंग के शिक्षक परेशान रहे। कुछ लोगों का फोन आने लगा बीपीएससी शिक्षकों का कि सर हम लोग का ट्रांसफर नहीं होगा क्या, किसी यूट्यूब चैनल ने चला दिया था कि बीपीएससी शिक्षकों का तबादला नहीं होगा, अलग से उसके लिए गाइडलाइन आएगा। और क्या क्या था उसमें कि ये क्या कहते हैं बीपीएससी आप लोग का कैडर बना दिया है, तो क्या है तो क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बीपीएससी जो है ऑटोनोमस बॉडी है जो केवल एग्जाम कंडक्ट कराती है विभिन्न डिपार्टमेंटों का, वो कुछ नहीं करती, वो एग्जाम करा के और रिजल्ट जो उसका नोडल विभाग होता है जिसके यहाँ से वैकेंसी आई हुई होती है उसको रिजल्ट सुपुर्द कर देता है, उसके कोई नियमावली वगैरह उसकी कुछ नहीं होती है। तो वहाँ बताया गया कि बीपीएससी की नियमावली बनाई गई है, तो आपका जिला कैडर है तो आपका नहीं होगा, तो क्या ये सब कोरी अफवाह है। और इसी तरीके से सब लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत सारे ढंग का, कभी शिक्षकों का बड़ाई करके, कभी शिक्षकों को गाली दे करके, कैसे भी व्यू आना चाहिए। और वैसे YouTube चैनल्स का ये धंधा होता है मुझे रोजगार करने का, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी का कोई रोल नहीं होता है, बीपीएससी केवल एग्जाम लेती है और एग्जाम लेने के बाद संबंधित जो विभाग होता है वो अपने सुविधा के हिसाब से, जब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आप जानते होंगे पंचायती राज विभाग में बीपीएससी से ही बीपीआरओ की बहाली होती है, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी लोग भी वो बतौर कार्यपालक पदाधिकारी बहाल हुए थे। सरकार को लगा कि मनकिया सरकार ने बदल दिया और फिर बीडीओ उसी एग्जाम से आए थे, उनको बना दिया कार्यपालक पदाधिकारी। तो ये चीज़ें चलते रहती हैं, बदलते रहती हैं, टोटली आप जिस डिपार्टमेंट से हैं उस पर डिपेंड करता है। तो बीपीएससी शिक्षक भी पैनिक ना हो। सब बातें हैं जो हमारे शिक्षक साथी सक्षमता परीक्षा पास करके और विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए कतार में हैं, तो एक आज विभाग के सचिव सह माध्यमिक निदेशक महोदय का पत्र आया जिसमें बहुत सारे जिलों से बार बार ये मांगी जा रही थी कि किनको प्रभार दिया जाए, क्या किया जाए। तो उस पर उन्होंने FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन टाइप का होता है कि एक साइड में कुछ सवाल हैं उसका उन्होंने जवाब देने का प्रयास किया है। उसके बाद से सोशल मीडिया में एकदम से हाय तौबा मचा हुआ है कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो आप ये जान लीजिए कि ये तात्कालिक परिस्थिति में ये कदम लिया गया है जो उनका पत्र है, जो मेरी जानकारी है, मेरी समझ है, एक से एक विद्वान लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। मेरे समझ से ये तात्कालिक रूप से ये वो कोई पत्र नहीं है, वो कोई गाइडलाइन नहीं था अभी के परिस्थिति के लिए। वो एक तरीके का गाइडलाइन इस प्रकार का है कि सारे जिले जो हैं वो गाइडलाइन मांग रहे थे कि किनको प्रभार दिया जाए, किनको, खासकर जो अपग्रेडेड हाई स्कूल्स हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं या उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ समस्याएं थी। तो उस पर उन्होंने एक ये दिया है, मार्गदर्शन टाइप का था। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हमारे साथी लोग विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे उसके बाद आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट में चल रहा है कि आपने जो पूर्व से काम किया है उसका भी लाभ दिया जाए, तो वो सारा जुड़ के आप फिर उस पर अलग से बाद में चीज़ें तय होंगी। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है, जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी में भी गए हैं उनको भी सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ मिलेगा। तो इसके लिए हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। अगर हाय तौबा करना ही है हम लोगों को तो हम सारे लोग मिल के ये प्रेशर बनाएं कि जल्द से जल्द जो हमारे सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक के लिए पोस्टिंग का इंतजार कर रहे साथी हैं उनको जल्द से जल्द पोस्टिंग मिले। क्योंकि मेरी जो जानकारी है, मैं ही कहता था कि 5 सितंबर को कुछ होगा, 5 सितंबर को कुछ होगा, अभी तक यही जानकारी थी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से शिक्षा मंत्री लोगों की क्या स्थिति रही हुई है, मैंने भी इतने दिनों में लगभग हमको लगता है बिशन पटेल जी, शाही जी, उसके बाद लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा तो शिक्षा मंत्री हम लोगों ने देख लिया है, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम कर लिया है। तो उनकी क्या विश्वसनीयता होती है,
उनके घोषणा का क्या प्रभाव होगा ये आप समझ सकते हैं। तो हम लोगों का सारा फोकस और सारा जो मुहिम है, मैं देखता हूँ कि एक छोटा सा पत्र निकलता है और हायर पावर उसके लिए मच जाता है। तो हम सारे अपने जो क्रांतिकारी शिक्षक साथी हैं, सड़क पर लड़ने वाले, सोशल मीडिया में लड़ने वाले, सबका अपना महत्व होता है। वो तो सारे लोगों का से अनुरोध है कि आप लोग अपना एनर्जी जया न करें और सारा एनर्जी इस पर लगाएं कि जल्द से जल्द पोस्टिंग हो। जो नियमावली कमेटी बना रही है या बन गई है वो सबके लिए, बिहार के सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों के लिए है और वो सब पे लागू होगा। ये नहीं होगा कि वो विशिष्ट पे लागू होगा, नियोजित फलना पे लागू होगा, चिलना पे लागू होगा, वो सब पे लागू होगा। विशिष्ट पे भी लागू होगा, बीपीएससी वालों के लिए भी लागू होगा, सब पे वो लागू होगा। तो हम सबको ये प्रयास करना है कि जल्द से जल्द पोस्टिंग होगी।